हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जिस कार का रिव्यू करने वाले हैं ये है मारुति सुजुकी ऑल्टो K10। न्यूली लॉन्च हुई है ये, और ये आप इसका देख सकते हैं VXI वेरिएंट जो कि पेट्रोल में आता है। जैसे कि सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। ये आप इसका देख सकते हैं सिल्वर कलर, और यहाँ पर ये ब्रॉड सी इसमें ग्रिल दी गई है, एंड साथ में इसमें हेलोजन में हेडलैम्प्स विद टर्न इंडिकेटर्स, एंड यहाँ पर आप सुजुकी का लोगो देख सकते हैं। एंड ओवरऑल जो इसकी फ्रंट प्रोफाइल है ऐसे कुछ इसमें देखने को मिलती है। ऑल्टो एक ऐसा नेम है मारुति इंडियन इंडस्ट्री में जो कि सिर्फ नाम से बिकता है। काफ़ी सालों से ये इंडियन मार्केट में मौजूद है, एंड ईयर टू ईयर डिफरेंट मॉडल डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस के साथ लॉन्च होते गए हैं, और ये न्यूली लॉन्च हुई है अभी K10। तो इसमें अभी हम कंप्लीट रिव्यू करेंगे। ये था इसका फ्रंट प्रोफाइल, एंड अब हम चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल में। इसकी प्राइस डिटेल एंड इंजन स्पेसिफिकेशंस वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल में। तो जैसे ही हम इसमें साइड प्रोफाइल में चेकआउट करते हैं तो यहाँ पर हमको 145/80R13 के टायर साइज हमको मिलते हैं, जो कि विड्थ इसमें थोड़ी सी कम रखी गई है, बट यस आफ्टर मार्केट आप इसमें बिगर साइज की जरूर इसमें डलवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फेंडर पे टर्न इंडिकेटर मिलता है, यहाँ पर ब्लैक कलर में ORVM दिए गए हैं, और यहाँ की इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर इधर ऑप्शन दिया गया है। एंड बॉडी कलर में आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं, यहाँ पर डोर ट्रिम जो ये दी गई है ये ब्लैक कलर में दी गई है, फ्रंट में भी एंड रेयर में भी। तो ओवरऑल जो इसकी साइड प्रोफाइल लुक है कुछ ऐसी मिलती है। एंड अब हम चलते हैं रेयर प्रोफाइल में। तो यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैंप देखने को मिलता है, कोई वॉशर डिफॉगर इसमें नहीं दिया गया है। नीचे की तरफ यहाँ पर सुजुकी का लोगो, यहाँ पर की बूट ओपन करने के लिए की इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। ऑल्टो की बैजिंग, K10 की बैजिंग, यहाँ पर अब कोई भी वेरिएंट की बैजिंग नहीं दी गई है। एंड उससे नीचे की तरफ 2 पार्किंग सेंसर इसमें ऑफर किए गए हैं, एंड इस टाइप की इसमें कुछ टेल लैंप ऑफर की गई है। अब मैं दिखाता हूँ इसका बूट स्पेस, एंड उससे पहले ये चेकआउट कीजिए, इसकी कीज़ 2 इस टाइप की की दी गई है, एंड ऐसा कुछ इसमें बूट स्पेस मिलता है। पार्सल ट्रे इसमें ऑफर नहीं की गई है, डीप है काफ़ी, एंड छोटा मोटा सामान आप रख सकते हैं, इतना ज़्यादा भी बड़ा बूट स्पेस नहीं है कि आप ज़्यादा लगेज आप कैरी कर सकें। तो डिसेंट साइज़ का ही इसमें दिया गया है, पार्सल ट्रे आप यहाँ पर लगवा सकते हैं। आई थिंक एक्सटीरियर से हमने सब कुछ कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं कार के अंदर। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ ड्राइवर साइड सीट पर, एंड मैं आपको दिखाता हूँ इतनी वाइड ओपनिंग इसकी डोर की मिलती है। ब्लैक कलर में डोर दिया गया है, यहाँ पर कोई सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ नहीं किया गया है कुछ भी। इधर मैट ब्लैक कलर में डोर ओपनर दिया गया है, यहाँ पर कुछ स्पेस कॉइन वगैरह रखने के लिए, बॉटल होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट इधर है, एंड साथ में इस टाइप की कुछ फैब्रिक सीट्स दी गई है। मारुति की सभी कार्स में जो सीट्स की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी रखी जाती है, एंड सेम इसमें भी कैरी फॉरवर्ड की गई है। एंड यहाँ पर इसमें हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलती है। साथ में यहाँ नीचे की तरफ फ्यूल लिड ओपनर एंड बूट ओपनर का इधर ऑप्शन दिया गया है, अगर फ्रंट बोनेट ओपन करना है तो इधर मिलता है ऑप्शन। यहाँ पर राउंड में आपको एसी वेंट दिए गए हैं, जिसमें सराउंडिंग इसमें मैट ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है। तो ऐसा कुछ ओवरऑल जो इसका इंटीरियर है वो मिलता है। ये आप देख सकते हैं इसमें 3 स्पॉक्स में स्टेयरिंग व्हील, सेंटर में सुजुकी का लोगो दिया गया है, राइट साइड में हेडलाइट के कंट्रोल, एंड लेफ्ट साइड में यहाँ पर वाइपर के कंट्रोल्स इसमें दिए गए हैं, और ऐसी कुछ इसमें MID मिलती है। एंड ओवरऑल जो इसका कैबिन का लुक है वो ऐसा कुछ मिलता है, सब कुछ ब्लैक कलर में इसमें दिया गया है। सेंटर में म्यूजिक सिस्टम आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर बटन्स भी दिए गए हैं जो कि काफ़ी सही है। जैसे कि VXI वेरिएंट है, इसमें टच स्क्रीन ऑफर नहीं किया जाता कंपनी की तरफ से। एंड ये 2 AC वेंट इसमें ऊपर की तरफ दिए गए हैं, नीचे की तरफ मैनुअल AC मिलता है, एंड 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट इसमें दिया गया है, कुछ स्पेस यहाँ पर, एंड ये आप देख सकते हैं 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, एंड ये यहाँ पर आप ग्लव कंपार्टमेंट देख सकते हैं, एंड SRS एयरबैग की बैजिंग, यहाँ पर भी एयरबैग की बैजिंग आप देख सकते हैं। टोटल 2 इसमें एयरबैग ऑफर किए गए हैं, एंड यहाँ पर कोई वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया जाता, IRVM इसमें मिलता है, एंड यहाँ पर ये हेलोजन में इनसाइड लाइट मिलती है, और ये एयरबैग की बैजिंग इसमें वैनिटी मिरर नहीं दिया जाता। ORVM के कंट्रोल्स हैं वो आप मैन्युअली ही एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से, तो ये अच्छी बात है एटलीस्ट ये दिया गया है इसमें। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी MID, जैसे कि इसमें यहाँ पर डिजिटली स्पीडोमीटर आप चेक कर सकते हैं, और नीचे की तरफ एवरेज एंड रेंज, ये किलोमीटर टाइम एंड फ्यूल इंडिकेशन, तो एंड इंजन वार्निंग, ये सब कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, और इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ये नॉब दी गई है जिससे कि आप कंट्रोल कर सकते हैं MID को। तो MID में भी जरूर जो ये न्यूली K10 है इसमें चेंजेस किए गए हैं, एंड ओवरऑल जो इसमें इनसाइड में भी एंड एक्सटीरियर में भी काफ़ी कुछ इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं पुरानी K10 के मुकाबले।
रेयर डोर में भी ऑल ब्लैक कलर का यूज किया गया है, कुछ स्पेस यहाँ पर दिया गया है कॉइन रखने के लिए। एंड मैनुअल में इसमें रेयर विंडो मिलती है एंड ऐसा कुछ इसमें रेयर का जो कैबिन है वो देखने को मिलता है। आगे वाली सीट मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट की है एंड मैं चेकआउट करता हूँ। यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा लेग स्पेस मिलता है, जैसे कि मेरी हाइट 5'4" है तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा लेग स्पेस इसमें मिल जाता है। यहाँ पर भी कुछ स्पेस दिया गया है एंड जो सीट की क्वालिटी है पीछे भी सेम ही रखी गई है जैसे कि आगे मिलती है। और यहाँ पर फिक्स्ड हेडरेस्ट इसमें ऑफर किए गए हैं, सेंटर में कोई आर्म रेस्ट नहीं मिलती है। एंड 2 पैसेंजर इजिली इसमें रियर सीट पे ट्रैवल कर सकते हैं अगर लॉन्ग ट्रैवल करना हो। 3 पैसेंजर के लिए एक किड्स जरूर आ सकता है साथ में अगर लॉन्ग ट्रैवल के लिए, एंड शॉर्ट में तो ज़रूर आप इसमें 3 पैसेंजर बैठ सकते हैं। तो ओवरऑल जो रेयर सीट से कुछ इस टाइप का कैबिन मिलता है देखने के लिए। रेयर में कोई रीडिंग लैंप ऑफर नहीं किया जाता है एंड जो इसकी सेफ्टी फीचर्स की डिटेल है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैंने रिव्यू किया है मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 VXI वेरिएंट का एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ VXI एंड VXI प्लस का। तो जो चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है वीडियो की वो आपको टाइमली मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।